आज का टॉपिक है कंपेयर ब्लॉक। कंपेयर ब्लॉक में हम सबसे पहले लिमिट टेस्ट ब्लॉक को समझेंगे। The output is true if the value is between maximum and a minimum limits. इस ब्लॉक का आउटपुट जब हाई होगा जब टेस्ट की वैल्यू लो लिमिट से ग्रेटर या इक्वल हो और हाई लिमिट से लेस देन या इक्वल हो। अब हम इसका लॉजिक टेस्ट करते हैं। हमने पीएलसी के इनपुट साइड में 5 टॉगल स्विच कनेक्ट किया है और आउटपुट में 5 लैंप। प्रोग्रामिंग में हमने इनपुट 0 से 1 लिमिट टेस्ट कंपेयर ब्लॉक को कनेक्ट किया है जिसकी लो लिमिट है 5 और हाई लिमिट है 10 और टेस्ट वैल्यू 0। कंपेयर ब्लॉक से हमने आउटपुट 0 को कनेक्ट किया है। सेकंड रंग में हमने इनपुट 2 से 1 लिमिट टेस्ट कंपेयर ब्लॉक को कनेक्ट किया है जिसकी लो लिमिट है 5 और हाई लिमिट है 10 और टेस्ट वैल्यू 5। कंपेयर ब्लॉक से हमने आउटपुट 2 को कनेक्ट किया है। इसी तरह हमने 3, 5 और 7 के साथ भी एक एक लिमिट टेस्ट कंपेयर ब्लॉक कनेक्ट किया है। इनपुट 3 से जो लिमिट टेस्ट ब्लॉक कनेक्ट है उसकी टेस्ट वैल्यू है 7। इनपुट 5 से जो लिमिट टेस्ट ब्लॉक कनेक्ट है उसकी टेस्ट वैल्यू है 10। इनपुट 7 से जो लिमिट टेस्ट ब्लॉक कनेक्ट है उसकी टेस्ट वैल्यू है 11। सभी की लो और हाई लिमिट हमने सेम सेट की है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। टॉगल स्विच 1 को जैसे ही ऑन करते हैं तो इनपुट 0 ऑन हो जाता है। इस कंडीशन में आउटपुट 0 ऑफ क्योंकि टेस्ट वैल्यू लो लिमिट से कम है। सेकंड टॉगल स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो इनपुट 2 और आउटपुट 2 ऑन हो जाता है क्योंकि इस कंडीशन में टेस्ट वैल्यू लो लिमिट के इक्वल है। थर्ड टॉगल स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो इनपुट 3 और आउटपुट 3 ऑन हो जाता है क्योंकि इस कंडीशन में टेस्ट वैल्यू लो लिमिट से ग्रेटर है और हाई लिमिट से लेस देन है। फोर्थ टॉगल स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो इनपुट 5 और आउटपुट 5 ऑन हो जाता है क्योंकि इस कंडीशन में टेस्ट वैल्यू लो लिमिट से ग्रेटर है और हाई लिमिट के इक्वल है। फिफ्थ टॉगल स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो आउटपुट 7 ऑन नहीं होता क्योंकि इस कंडीशन में टेस्ट वैल्यू हाई लिमिट से ग्रेटर है।